स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एस्ट्रोटी में। आज के शो रॉकेट मंडे में हम बात करेंगे डीप स्पेस गेटवे, जिसको रिसेंटली ट्रंप ने रीनेम कर डाला है लूनर ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म गेटवे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में आपको ये समझना पड़ेगा कि हमने ISS बनाया, जो कि दुनिया का सबसे महंगा चीज़ है, सबसे महंगा, $100 बिलियन से ज़्यादा खर्च किया गया है इसको बनाने में। कोई चीज़ इतना महंगा नहीं है, और ये इसलिए हो पाया कि बहुत सारे एजेंसीज ने अपना पैसा डाला। ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अमेरिकन है, वो अमेरिका, रशिया, यूरोप, कैनेडा, जापान, सब लोगों ने पैसा डाला, सब लोगों ने उसमें मेहनत की, तब जाके इतना महंगा चीज़ बनाया जा सका। तो लेकिन ISS बनाया गया था कि काफ़ी साल चले, और वो चल रहा है 50 साल, लगभग 30-35 साल हो चुका है, और 10-12 साल का लाइफ बचा हुआ है। लेकिन अब इसका टाइम हो गया, इसमें बहुत चीज़ अब ब्रेक करने लगा है रिसेंटली, और मतलब हो जाता है, मतलब चीज़ है, काफ़ी साल यूज़ किया और इसका टाइम हो रहा है, इसको एक्सपायर करना पड़ेगा कुछ साल बाद। तो इसका रिप्लेसमेंट के लिए हम लोगों को कुछ चाहिए, और जैसे इसको बनाया गया था कि सारे चीज़ों को जोड़ के, वैसे ही डीप स्पेस गेटवे को बनाया जा रहा है सब लोगों का पैसा जोड़ के। और आपको ये समझना, ये लो अर्थ ऑर्बिट में, ये मतलब धरती के बहुत नज़दीक घूमता है। लो अर्थ ऑर्बिट पे होने का फ़ायदा ये है कि अर्थ के मैग्नेटिक शील्ड के अंदर है, शील्ड में बहुत रेडिएशन है। अगर आप शील्ड में रहने का कोशिश किए तो मर जाइएगा, क्योंकि वहाँ बहुत रेडिएशन है। शील्ड के बाहर बहुत रेडिएशन है, लेकिन वो आता जाता रहता है। यहाँ पे रेडिएशन ट्रैप है, जिसको कहा जाता है वेन एलन बेल्ट, मतलब उस बेल्ट में अगर आप रह गए तो सीधे ऊपर चले जाइएगा, क्योंकि बहुत रेडिएशन फंसा हुआ है वहाँ पे। लेकिन उस शील्ड के नीचे आप रेडिएशन से बचे हुए। ISS रेडिएशन शील्ड के नीचे है, और इसकी ऊंचाई सिर्फ 400 किलोमीटर का है, मतलब अगर आप सी लेवल से जाएंगे, और ऐसा नहीं कि एकदम पूरी तरह से सर्कुलर ऑर्बिट है, किसी जगह पर हाइट ज़्यादा रहता है, कभी कम होता है, तो उस जगह पे नहीं बना के, मतलब इसका रिप्लेसमेंट वहाँ नहीं बनाया जा रहा है। इसका रिप्लेसमेंट बनाया जाता है लूनर ऑर्बिट पे, जो कि आप यहाँ देखते हैं अर्थ है, पृथ्वी है और अपना चांद है, तो इसके बीच में ऐसे ऐसे घुमा के ये लोग सिर्फ लूनर ऑर्बिट इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका फ़ायदा ये है कि मून का ग्रेविटी उसको ऑर्बिट देगा, लेकिन उसमें बहुत ड्रैग नहीं डालेगा। मतलब अगर आप उस स्पेस स्टेशन से कहीं और जाना चाहते हैं, उस स्पेस स्टेशन से कहीं एस्ट्रॉइड बेल्ट के पास जाना चाहते हैं, या उस स्पेस स्टेशन मार्स पे जाना चाहते हैं, आपको रॉकेट फ्यूल ज़्यादा नहीं खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्बिट उस तरह की है। तो वहाँ पे बनाया जा रहा है और ISS का रिप्लेसमेंट है। तो इसको हम लोग ले कैसे जाएंगे, मतलब बना लेना कंप्यूटर में तो बहुत आसान बात है, आप चलिए ज़मीन पे बना भी लिए चीज़, लेकिन उसको ऊपर कैसे ले जाइएगा। तो अभी इस वक्त जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा कैंडिडेट इसके लिए है SLS, यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम, जो नासा ने बनाया है। नासा ने जो गलती की थी स्पेस शटल बनाने में, उससे काफ़ी चीज़ इन्होंने सीखा, और इन्होंने अपने पुराने सिस्टम को लिया, जो कि Saturn V था, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा। मतलब आप ये समझिए, Saturn V चांद पे जाके लौट के यार, एक भी एस्ट्रोनॉट नहीं मरे, स्पेस शटल मतलब लो अर्थ ऑर्बिट जाने में ही 2 बार ब्लास्ट किया और 14 एस्ट्रोनॉट्स को ऊपर पहुंचा दिया। तो जो गलती हुआ ये मतलब स्पेस शटल के डिज़ाइन में, उस गलती को सीखने के बाद इनका हिसाब ये आया कि हमारा पुराना डिज़ाइन, जो कि सैटर्न, जो मून रॉकेट है Saturn V का, उसी डिज़ाइन को लिया, उस डिज़ाइन को अपग्रेड किया। मतलब उसके डिज़ाइन में किरोसिन यूज़ किया जाता था, तो इस डिज़ाइन में ये लोग हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये ऑरेंज टंकी दिख रही है, ये इंसुलेशन फोम का कलर है। तो ये टंकी है जो है हाइड्रोजन से, लेकिन मैंने जैसे बहुत सारे वीडियो में बताया कि हाइड्रोजन आपको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड देता है, लेकिन उतना हॉर्स पावर नहीं देता, आप ज़मीन से उठ नहीं पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि कोई रॉकेट नहीं बनाया, लेकिन आप बहुत कम आपको थ्रस्ट मिल रहा है, जो न्यूटन्स में नापा जाता है। तो उसको बाईपास करने के लिए, धरती से उठा के ले कैसे जाएं, हम लोग SRB यूज़ करते हैं, सॉलिड रॉकेट बूस्टर। SRB कुछ खास नहीं है, बस सीधे पड़ाका वाला रॉकेट होता है, इसमें लिक्विड नहीं होता, इसमें ठोस जो बारूद समझ लिए भरा हुआ है, और वो जलाया जा रहा है। तो SRB जो हम लोग स्पेस शटल पे यूज़ करते थे, उसमें 4 सेगमेंट होते थे, इसमें जो यूज़ किया जाएगा उसमें 5 सेगमेंट होगा। बेसिकली वही रॉकेट है, बस 1 सेगमेंट एक्स्ट्रा डाल के उसका साइज पावर बढ़ा रहे हैं। और ये एक सिस्टम है, इसको ऐसा बनाया गया कि धीरे धीरे नासा इसको अपग्रेड करते जाएगी। तो पहला सिस्टम जो होगा वो 70-80 टन ले जाएगा, दूसरा सिस्टम जो उसमें अपग्रेड मारेंगे वो 90-100 टन ले जाएगा, तीसरा अपग्रेड में 150 टन तक का उम्मीद है, मतलब ये अपग्रेड करते जाएंगे। तो लेकिन 2019 में इसका लॉन्च है, तो पता चल जाएगा कि क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता। उसके बाद आप आते हैं हम लोग BFR में, जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। BFR के बारे में मैंने वीडियो बनाया, आप यहाँ देख सकते हैं। और BFR जो है, अगर बना, लेकिन क्योंकि ये ऑलमोस्ट रेडी है, इसका टेस्टिंग वेस्टिंग हो चुका है, इसमें जो इंजन लगाए गए हैं वो स्पेस शटल वाले इंजन है। मैंने बताया स्पेस शटल के इंजन बहुत अच्छे थे, तो इंजन का टेस्टिंग हो चुका है, तो और ये फाइनल फेज में है, ये रेडी है ऑलमोस्ट। BFR अभी बहुत दूर है, मतलब अभी आने वाला नहीं। और
न्यू ग्लेन जो अमेजोन के सीईओ बना रहे हैं, मतलब जेफ बेजोस की कंपनी स्पेस कंपनी, वो भी अभी बहुत दूर है। तो ये दोनों शायद कम्पीट करेंगे। मतलब ट्रंप ने जो एडमिनिस्ट्रेशन में साइन किया गया उसमें ये है कि नासा खुद का रॉकेट हर बार यूज़ करे ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब आप ऐसे समझिए, अगर इन्होंने ये यूज़ किया और इसका खर्चा आ रहा है मान लीजिए $70 मिलियन आ रहा है, मतलब 70 तो बहुत कम है, $500 मिलियन आ रहा है और BFR बोल रहा है हम 100 मिलियन में कर देंगे, नासा यूज़ कर सकती है इसको। इसके साथ लिमिटेशन नहीं है कि ये यहीं करेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट वेंचर है, तो आप कोई भी और यूज़ किया जाए, तो अभी ये यूज़ किया जाएगा शुरू शुरू में, बाद में ये सब में देखा जाएगा कि कौन सस्ता है। तो हमने लॉन्च व्हीकल देख लिया, अब देखते हैं स्टेशन के बारे में, जो एक्चुअली स्टेशन बनाया जा रहा है। आप ये समझिए कि ISS जो है वो धरती के एटमॉस्फेयर में इतना नज़दीक है कि जैसे जैसे वो ऑर्बिट करता है वो धीरे धीरे गिरता जाता है। मतलब शुरू शुरू में वो बहुत धीरे गिरेगा, मतलब एक मीटर घट रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता जा रहा है और एटमॉस्फेयर उस पर भिड़ रहा है। अब वैसा होने से ये होता है कि अगर वो एक पॉइंट से नीचे गया तो वो सीधे गिर जाएगा, तो उसको वापस ठेलना पड़ता है, उसको रॉकेट से वापस ठेलना पड़ता है। तो ये रॉकेट उसमें तो लगाया हुआ नहीं है, तो ये क्या किया जाता है कि जो भी शिप उसको लगा रहा है, जैसे स्पेस शटल आके उस पर अटैच किया, या फाल्कन 9 तो अभी नहीं करता है, मतलब फाल्कन 9 के जो ऑर्बिटल ड्रैगन है वो उसको रिबूस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मतलब जो भी और चीज़ है उसको लगा के ये लोग रिबूस्ट करते हैं, खास करके सोल्यूस मॉड्यूल जो कि रशिया का है वो इसको ठेल ठेल के वापस ऊपर लेता है। और ये जो सिस लूनर ऑर्बिट यूज़ कर रहे हैं उस ऑर्बिट को ठीक से रखने के लिए आपको प्रोपल्शन चाहिए, एटमॉस्फेयर नहीं है लेकिन आपको प्रोपल्शन चाहिए, और कुछ भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल ड्रैग हो सकता है, और मान लीजिए सोलर विंड अगर बहुत स्ट्रांग आ गई तो थोड़ा सा ऑर्बिट बिगड़ जाएगा, तो उसको संभालने के लिए, मतलब कभी कोर्स करेक्शन करने के लिए या कुछ भी डैमेज से बचाने के लिए आपके पास अंदर से, मतलब ऐसा नहीं कि कोई आएगा तब आपको ठेलेगा, मतलब आपके पास अपना होना चाहिए, इसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल डाला गया है। तो ये आयन प्रोपल्शन है, ये केमिकल प्रोपल्शन नहीं है। तो आयन प्रोपल्शन होने से बहुत कम फ्यूल में, मतलब बहुत कम ईंधन में ये ऊर्जा डाल देता है, मतलब केमिस्ट्री के जगह पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इस्तेमाल करता है, आयन बना के उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली एक्सपेल करता है। थ्रस्ट कम होता है लेकिन माइलेज बहुत ज़्यादा आता है। तो इसका मतलब ये समझिए कि अगर इसमें 10 टन का ईंधन लोड किया गया वो 10 टन कई साल तक चलेगा। ISS लगभग 10 टन एक साल के अंदर ही खा जाता है, 7-8 टन तो मतलब सालाना उसका फिक्स है। तो इसका अपना है, और इसका रेडिएशन शील्डिंग बहुत अच्छा है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक शील्ड में बहुत रेडिएशन है, उसके बाहर कम रेडिएशन लेकिन कंटिन्यूसली आ रहा है, अंदर आप उसके बचे हुए हो। ISS वहाँ बनाया था इसलिए ISS को आप ठेल के नहीं ले जा सकते, उसके अंदर लोग मर जाएंगे, उसकी शील्डिंग वैसी नहीं है कि बर्दाश्त कर सके। इसकी शील्डिंग डे वन से, मतलब जैसे ही इन्होंने डिज़ाइन बनाना स्टार्ट किया, ऐसा बनाया जा रहा है कि ये अच्छे से रेडिएशन हैंडल कर पाए। और आपको ये समझिए, ये बहुत छोटा है, मतलब अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ISS से, मेरा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये बहुत छोटा है, मतलब सिर्फ 4 मॉड्यूल मेन मॉड्यूल है, उसमें से एक तो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, दूसरा लॉजिस्टिक मॉड्यूल है, तीसरा ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल है, मतलब हैबिटेशन मॉड्यूल भी है, तो मतलब कुल मिला के ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो इसके फायदे क्या है, मतलब इस पर खर्च किया जा रहा है और ये चांसेस हैं कि ISS से भी बहुत महंगा हो जाएगा, तो इस इतना खर्च क्यों किया जा रहा है। ये आप ये समझिए कि ISS जब बनाया गया था वो इसलिए था कि देखना चाहते हैं इंसान का क्या होगा अगर वो जीरो ग्रेविटी में बहुत लंबे टाइम तक रहा। हमारे जो इतने भी मून मिशन थे वो कुछ दिन तक ही थे, मतलब 15 दिन, एक महीना में ला लीजिए बहुत हो गया, तो लेकिन कोई भी मिशन में ये नहीं पता था कि इंसान के बॉडी को क्या होगा अगर वो जीरो ग्रेविटी में बहुत दिन रह गया। तो इस सिनेरियो में ये हुआ कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएगा तो हिसाब ये आया कि भैया 2 साल से ज़्यादा इंसान नहीं रह सकता मतलब जीरो ग्रेविटी में। तो ठीक है, आपको ये डेटा पता चल गया, अब आपको हिसाब लगा कि आप मार्स से बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, 2 साल के अंदर पहुंच सकते हैं और 2 साल के अंदर वापस आ सकते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है, सब चीज़ हो गया। लेकिन रेडिएशन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। रेडिएशन के बारे में समझने के लिए आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा, आपको वहाँ जाके, और ऐसा नहीं कि आप वहाँ मीटर ले जाके देख लेंगे, मीटर तो बता रहा है कि हम लोग शायद रह पाए, लेकिन इंसान को एक्चुअली भेजने के बाद ही पता चलेगा कि क्या वो हैंडल कर सकता है कि नहीं। और अगर मान लीजिए कल पे कोई चांद का मिशन हम लोग बनाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा समझ लीजिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट, रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन, काफ़ी चीज़ में हेल्प कर पाएगा अगर हम लोग चांद पे वापस जाना चाहते हैं तो। और मार्स मतलब नासा का करंट टारगेट ये है कि पहले ISS बनाए, ISS पे काफ़ी चीज़ सीख लिया, अब ये बनाइए डीप स्पेस गेटवे और LOP-G जिसको कह रहे हैं, और इसके बाद ये मार्स पे जाएंगे, मतलब ये स्टेपिंग स्टोन है, इसीलिए इसका नाम दिया गया था गेटवे, जो अब चेंज कर दिया गया है। लेकिन ये बेवकूफ़ी वाली आइडिया है, तो मैं इसकी बेवकूफ़ी के बारे में बताना चाहूँगा। और काफ़ी एस्ट्रोनॉट जो नासा में हैं, इंक्लूडिंग काफ़ी लोग बाहर से भी जो हैं, इंक्लूडिंग चाइनाज़ गवर्नमेंट, सब लोग बोल रही है ये बेवकूफ़ी के ऊपर इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये बहुत हाफ मेजर है, मतलब कोई मतलब नहीं, कुछ कर नहीं रहा है, बस है,
मतलब आधा अधूरा है। आईएसएस मतलब सिखा दिया, ये कुछ नया नहीं सिखा पाएगा, ये बस ये सिखाया कितने जल्दी मरोगे। दूसरा, इसमें सेंट्रीफ्यूगल ग्रेविटी नहीं है, मतलब आप बहुत सारे साइंस फिक्शन में देखते होंगे शिप को रोटेट किया जा रहा है ताकि उसके अंदर में ऐसा लगे कि ग्रेविटी है, जो कि बहुत ज़रूरी है, ग्रेविटी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो भी नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका आदमी सिर्फ जल्दी मरेगा और कुछ नहीं होने वाला। दूसरा, और कोई नया चीज़ कर ही नहीं रहा है, मतलब ये इतना धीमा स्टेप है कि मतलब ऐसा हुआ कि अपोलो 8 मिशन जो बनाया गया था वो था कि चांद के तरफ घूम के आ जाए, रॉकेट को टेस्ट करने के लिए डायरेक्ट वहाँ लैंड नहीं किए थे, अपोलो 1, 2, 3 ऐसे ऐसे करके पहले 1 से ऑर्बिट 1 को टेस्ट किए ग्राउंड पे, 2 पे आदमी को भेजे, 3 के मतलब ऐसे ऐसे करके टेस्ट करते करते आगे जा रहे थे। 8 पे ये जो किया था कि ऑर्बिट करके वापस आ जाओ, मतलब 9, 10 तक भी ये ऐसा टेस्टिंग करता गए, तो वो टेस्टिंग पे ही ये है, मतलब ये कहीं आगे नहीं जा रहा, मतलब करोड़ों 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 कई हज़ार लाख करोड़ लगाने के बाद भी आप कर क्या रहे हो नया, मतलब नया कुछ नहीं है, आप ना ही मार्स पे जा रहे हो ना ही मून चांद पे जा रहे हो, मतलब चांद पे नहीं जाने का एक बहुत बड़ा कीमत भरना पड़ रहा है। जैसे कि अगर मार्स पे हम लोग एक्चुअली रहना चाहते हैं, मतलब आप रहने के लिए वहाँ जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ रिसर्च कर रहे हैं और आ जा रहे हैं, वैसा नहीं, रहने के लिए अगर कॉलोनी बनाना चाहते हैं तो कॉलोनी के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि रेडिएशन कैसे हैंडल करते हैं। हम लोग नहीं बना सकते कोई रेडिएशन सील, ये सबको पता है, कोई भी रेडिएशन सील इंसान का नहीं बनाया जा सकता जो कि मतलब एकदम परफेक्ट शील्डिंग हो। तो इसका एक सिंपल सलूशन होता है कि आप कोई भी चीज़ बनाइए उसको ढकते जाइए, जितना चीज़ है उससे ढकते जाइए। जैसे हम लोग यहाँ रिएक्टर बनाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर फिशन के बारे में, तो उसको हम लोग ढक देते हैं, मतलब लेड का एकदम सॉलिड सॉलिड दीवार बना बना के ढक देते हैं, सीमेंट का 15-16 फीट मोटा दीवार बना के ढकते हैं। चांद पे आप ऐसा कर सकते हैं, आप हैबिटेट लैंड की हैबिटल को कवर कर दीजिए एकदम रेगुलर से, जो कि काफ़ी सारे डिजाइन में आप देखेंगे, लेकिन ये सब करना हम लोग सीखेंगे नहीं क्योंकि ऑर्बिट में वो यहाँ रहता है तो सीख जाते हैं कि ये कैसे किया जाता है। फिर आप अगर मान लीजिए चांद पे उतर जाते हैं, आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सिचू स्पेस रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि आप चांद पे अगर हैं या कहीं पे भी है, मार्स पे, चांद पे या जहीं पे भी है, आप वहाँ के रिसोर्स को मतलब जो वहाँ पे मौजूद है उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी ना कर पाना नहीं सीख पाएंगे। और बिना ये दोनों चीज़ के, मतलब हैबिटेट कैसे बनाते हैं और वहाँ पे जो मौजूद मटेरियल उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, हम लोग मार्स पे नहीं जा सकते। और ये इतना बड़ा स्टेशन क्यों बना रहे हैं उसके लिए, अगर ये सब भी नहीं सिखा सकता। अगर सेंट्रीफ्यूज होता तो बहुत अच्छी आगे चीज़ सीखने को मिलता कि मतलब आप रोटेट कर रहे हैं, कितना स्पीड पे रोटेट करेंगे, कितना इंसान के लिए ठीक रहेगा, कितना इंसान पे मतलब नहीं चक्कर आने लगेगा, या मतलब स्ट्रक्चर जो आप बना रहे हैं उसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, टेस्ट करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये कुछ नहीं कर रहा है, कोई भी नया चीज़ नहीं ले जा रहा, मतलब ISS तो एटलीस्ट मियर स्पेस स्टेशन में जो नॉलेज हम लोग को मिला था उसको बढ़ाए, उसको एक्सपेंड किए, इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई भी नया चीज़ नहीं है, बस कई हज़ार करोड़ डाल दिया जाएगा और कुछ नया नहीं आएगा। तो ये इसकी बेवकूफ़ी है कि मतलब चांद पे चले जाते तो बहुत चीज़ कर लेते हैं, मतलब सीख जाते हैं कि हैबिटेट कैसे बनाते हैं, कैसे मतलब सरफेस से फ्यूल कैसे निकालते हैं, लेकिन वो सब करने के जहाँ पर लोग इसका ऑर्बिट बस घूमते रहेंगे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन नासा के ISS के रिप्लेसमेंट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला हो, समझने को आया हो, अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं है कोई बात नहीं डिसलाइक कर दीजिए, और आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं वीडियो हर दिन बनाता हूँ, तो आप घंटी बजा दीजिए तो आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।